एक्ट्रेस प्रियंका चहर चौधरी जो इस वक्त बिग बॉस 16 के घर में हैं और विनर की रेस में सबसे आगे हैं, उन्हें बाहर भी कई प्रोजेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं। सलमान खान ने खुद वीकेंड के वार पर प्रियंका से कहा था कि वो बाहर आकर उनसे मिले, उनके पास प्रियंका के लिए कुछ है। इसी के चलते हम आपको बता दें कि प्रियंका चहर चौधरी को लेकर एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि उन्हें शाहरुख खान की और राजकुमार हिरानी की डंकी मिल चुकी है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एक्ट्रेस को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ऑफर किया गया है सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म में, और प्रियंका चहर चौधरी के फैंस ये न्यूज सुनते ही काफी ज्यादा खुश है, स्पेशली एक्ट्रेस के लिए। प्रियंका को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मिला है। कहा जा रहा है कि सलमान खान है जिन्होंने प्रियंका चहर चौधरी का नाम राजकुमार हिरानी को सजेस्ट किया है। राजकुमार हिरानी को एक पंजाबी बैकग्राउंड वाली लड़की चाहिए थी, और सभी जानते हैं कि उडारिया में प्रियंका चहर चौधरी ने तेजो का कैरेक्टर प्ले किया था जो कि एक पंजाबी लड़की ही थी। राजकुमार हिरानी की टीम ने ऑलरेडी प्रियंका चहर चौधरी की टीम को इस बारे में बता दिया है और उन्हें अप्रोच किया जा चुका है। अगर फिल्म की बात करें तो शाहरुख खान की डंकी फिल्म इलीगल इमिग्रेशन ऑफ पंजाबीज की स्टोरी है, जैसे कि पंजाबीज को इलीगली कनाडा और यूएसए जैसी जगह पर भेजा जाता है और यहां पर ही उनका इम्पोर्टेंट रोल होगा। प्रियंका चंडीगढ़ से बिलोंग करती है तो वो इस रोल के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। वहीं बिग बॉस 16 के लिए विनर का नाम जो सबसे ज्यादा अभी तक सामने आ रहा है वो भी प्रियंका का ही है।